तो हमारा जो मेनली फोकस होगा वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल पे होगा, तो मोर प्रैक्टिकल आपको जितनी प्रैक्टिकल जो चीज़ें आएगी उतना इंशाल्लाह आप लोग इम्प्रूव करोगे। और यहाँ पे इकट्ठे होने का हमारा मकसद ही आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करा देना, ठीक है, अपनी जाती इतनी मेरी ट्रेनिंग करा देनी है कि अन्ना ना करें। इफ देयर इज एनी इमरजेंसी, उस इमरजेंसी में मैंने खुद क्या करा, इंशाल्लाह इस सेशन के एंड पे यू विल बी एबल दैट हाउ टू कंट्रोल एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाओगे दैट हाउ टू कंट्रोल इंटरनल ब्लीडिंग। एक बंदे के जिसम में अंदरूनी खून का बहाव उसके साथ क्या करूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहमान की और पुलिस आपके घर में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पे जब आप लोग रिस्पॉन्ड कर देते हो और वहाँ पे आपको एक बंदा जो है वो इस तरह मिले, तो जिस तरह अल्लाह का हम पे खाके हमारे जिस्म का हम पे खाके, तो उस मरीज का भी आप लोगों पे कुछ हुकूम बनते हैं, कुछ एहसाक आप लोगों पे बनता है कि किस तरीके से जाके आप उसकी जान बचा देगा। सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं कि उस बंदे को मैं उठाऊँ और अस्पताल तक पहुँचा दूँ, तो आप इसको नोट करके लिखिए कि ओनली रशिंग टूवर्ड्स द हॉस्पिटल इज नॉट द सोल्यूशन, कि किसी को बैड बकरियों की तरह उठाएं, किसी गाड़ी में डालें, किसी टैक्सी में डालें, किसी रक्शे में डालें और अस्पताल से रोको नहीं। तो अल्लाह ने हमारे जिस्म में खून के वॉल्यूम रखी है, ठीक है, मकदार रखी है, और जब आपने ट्रेनिंग भी की है और उस ट्रेनिंग के बावजूद भी आप इतने पैनिक हो, इतना हल्ला गुल्ला आपने मचा के रखा है कि उस मरीज को मैं वैसे ही शिफ्ट करा देता हूँ। तो आप याद रखें कि कल के अखबारों में वही सुर्खियाँ हमें मिलती आती रहती है कि अस्पताल पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, कम तो हो गया, ठीक है, तो वो मेरी वजह से और उस बंदे की वजह से भी उसको पता नहीं था कि मैंने क्या करना है, एज ए फर्स्ट एडर मैंने क्या करना है, एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर मैंने कौन सी परफॉर्मेंस वहाँ पे दे रही है। मैं चीज़ यहाँ से पहले जो आपका घर से पुराना हो रहा था, तो सर ने एक बेहतरीन बात आप लोगों के सामने रख दी कि मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमदर्दी के बिना पर जाके हम जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपना टास्क पता नहीं होता कि मैंने किस तरह बचा, किस टेक्निक की मदद से मैंने बचा देना है। तो आप याद रखें कि आपकी जो हमदर्दी होती है वो आपको भी महंगी पड़ सकती है, और जिस मरीज़ को आप बचाने जा रहे हैं उसको भी महंगी पड़ सकती है। और आप ये भी याद रखें कि इंशाल्लाह जब आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके जाओगे तो फिर आप लोगों की जो रसाई मरीज़ों की तरफ होगी तो वो आम किस्म की कॉमन रसाई नहीं होगी, कॉमन अप्रोच नहीं होगी। तो दो किस्म की चीज़ें आप याद रखें, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। अभी जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो क्या चीज़ है, अल्लाह ना करे आपके सामने मैं कोलैप्स कर गया, मैं गिर गया, तो आप लोगों को पता चल गया सिपा सही बने सचल हो, ठीक है, आप लोग वहाँ पे दौड़ कर आए, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मैंने क्या करना है। आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट बन गया एक एक्सीडेंट, आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बन गया एक एक्सीडेंट के अलावा बम ब्लास्ट, एक घर का गिरना, किसी जगह पर आग लगना, बस वहाँ पे हम इकट्ठे हो जाते हैं विदाउट प्रॉपर पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, ना कोई ग्लव्स है, ना कोई हेलमेट है, ना ज़ाती हिफाजत को मैं देखता हूँ, ना उस मरीज़ की हिफाजत को मैं देखता हूँ, ना उस एरिया को किस तरह कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उसकी रसाई किस तरह होनी चाहिए, अपनी जान की परवाह किए बिना मरीज़ को बचाने के लिए मैं वहाँ पर मैंने इतनी मारी है। इसको कहते हैं एक आम सी अप्रोच, सो वन और टू टू तक करके, सो जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। इंशाल्लाह जो आप लोगों की यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद आप लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना है, आप लोगों को पॉलिश करना है, आप लोगों को ट्रेन करना है, तो इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह ना करे एक देर इज ए केस ऑफ बम ब्लास्ट, एक देर इज ए केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक देर इज ए केस ऑफ सडन फायर इरप्शन, जितने भी ए टू जेड इमरजेंसीज आपके जहन में हैं, अल्लाह ना करे अगर दोनों माँ होती है तो वो आपके लिए इतनी बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेनिंग की है और आपकी जो अप्रोच होगी वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, एक हदफ आपको मिलेगा, ठीक है। आप खिदमत फाउंडेशन का एक हिस्सा हो, एज ए वॉलंटियर आप पर किसी ने पेस्टल नहीं रखा, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आपने खाम खा जा के इमरजेंसी में हिस्सा लेना। आप याद रखिए जब आपने एक बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग ली है, आपको पॉलिश किया गया है,
तो खुद ब खुद वो बंदा जो ना वो अंदर से मलामत होता है कि मैंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना है। अभी आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि अभी तक आपका रिस्पांस पूर्ण किस्म का है या ज़बरदस्त किस्म का है। जब आप रिस्पांस एक सही तरीके से दोगे, आपकी अप्रोच जो होगी वो आपके लिए एक मिशन हो जाता है, एक टास्क हो जाता है। आप लोगों ने हो सकता है कि बहुत सी इमरजेंसीज में आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया हो, तो जैसे उस इमरजेंसी में हम चले जाते हैं एज ए आर्थिक का फाउंडेशन का कोई वॉलंटियर, तो हमारा एक प्रॉपर चैनल होता है, एक तरतीब होता है। उस तरतीब के साथ जाके उस इमरजेंसी को डील करना हमारे लिए एक मिशन भी होता है, एक टास्क हमें असाइन किया जाता है। उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद दोबारा आके हम अपनी गलतियों को देखने के लिए बैठ जाते हैं, खुद एहतसाबी के लिए बैठ जाते हैं, चिपकम कमजी की मुना रद्दी शुरू। तो आपका ये अप्रोच था बहुत ज़बरदस्त किस्म का अप्रोच था, उसको कहते हैं कौन सा अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक हदफ सामने रख के आप एक प्लान बनाएं, उस प्लान को उसी जगह पे, अल्लाह ना करे बुरी बातें नहीं होनी चाहिए लेकिन छोटी इमरजेंसी की बात करता हूँ, खुदा ना खास आपके घर से स्टार्ट करें। अगर तो घर में कोई आपका रिलेटिव, आपका कोई भाई अम्मी अबू में से सडनली गिर जाता है तो हम इतने पैनिक हो जाते हैं कि अपने ट्रेनिंग भूल जाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो काबिश होता है, जो उस पर बड़ा सा एहसान होता है, वो कौन सी चीज़ होती है, हाथ मलना, पैर मलना, और पता नहीं जो हमारे कस्टम एंड कल्चर जो तोड़ के हमने सीखे हैं वही तोड़ के वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। के बाद यू विल बी एबल दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन इमरजेंसी। एन इमरजेंसी में, एक इमरजेंसी में आपकी रिस्पॉन्स किस तरह होनी चाहिए, मैं आम बनता हूँ या ट्रेन बनता हूँ। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि इस दो दिनों की ट्रेनिंग के बाद जब कंप्लीट होगी तो आपने इस चीज़ को अपने जेब में नहीं रखना, बल्कि आपने जिस तरह से पहले सेशन में सर ने फरमाया कि आप लोगों ने तब्दील कर ली है, ये चीज़ आपने जाके दूसरों तक पहुँचा देनी है। रेस्टोरेबल मंडल उर्दू की आवाज़ के पी के में किसी हद तक जो है ना वो पहुँच सकती है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से डिफरेंट असला से आ चुके हैं। यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेबल मंडल उर्दू को भी मिला है और खदमत को भी मिला है कि आप वही आवाज़, वही मैसेज, वही स्किल्स। मैंने से पहले आर्ज किया कि इसको ट्रेनिंग ना समझे, ये स्किल्स है, समझ आ रही है, ये स्किल्स है, कुछ महारत है, वही महारतों की ट्रांसफ़र मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को कर दी है। आपने वही चीज़ें जाके अपने घर से स्टार्ट लें, अपने मोहल्ले से स्टार्ट लें, और फिर स्कूल्स कॉलेजेस आप कई किताबों में होंगे, फिर भी ये चीज़ जाके लोगों को सिखाएँ। और अल्लाह फरमाता है वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई होए सारी इंसानियत बचाई। तो इंशाल्लाह इस सोच को आप यहाँ पर रखें, वॉलंटियर विदाउट एनी लालच, ठीक है कि मुझे कोई पैसे मिलेंगे नहीं। रेस्टोरेबल वंडरफुल टू में हम ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अल्लाह जो है ना वो रिजल्ट देने के लिए और भी ज़राए हैं, लेकिन रेस्क्यू में खुश इसलिए हूँ कि वॉलंटियरली बहुत सी इमरजेंसी को हमने 2010 से डील करके रखा है, और 2007 से लेके 10 तक हमसे पहले यहाँ पे अल-खिदमत फाउंडेशन ही काम कर रहा था, ठीक है, और इदारे थे, तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। क्यों गए, रेस्टोरेबल वंडरफुल टू का नाम निशान 2010 तक यहाँ पे था ही, और 2007 से जब मैं स्कूल में था और जो चीज़ें मैंने देखी है तो उसके प्रति इज्जत हम आगे की, अल्लाह वो हमें दोबारा ना दिखाएं, तो तब रेस्टोरेबल वंडरफुल टू तो नहीं थी, अल-खिदमत फाउंडेशन। तो इनका भी मैं शुक्र गुजार हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्क्यू मोहम्मद गुरु कि उन्होंने हमें मौका प्रोवाइड किया और अपने ख्याल आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कोशिश हमारी ये होगी कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमारी प्रैक्टिकल भी होगी, और उस प्रैक्टिकल के बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम नीचे जाएँ और आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हर एक बंदा उस चीज़ से प्रैक्टिकल करें जो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन से बात नहीं चलेगी, आप लोगों की तवज्जो की असल ज़रूरत होगी, ठीक है जनाब। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इमरजेंसीज होती हैं, और इमरजेंसी जब होती है तो इससे पहले तरीक साहब ने आपको एक इमरजेंसी, डिज़ास्टर, क्राइसिस, मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तेलाहात से आप लोगों को आगाह कर दिया। आप याद रखें कि इमरजेंसी इतनी बेरहम होती है कि वो कभी भी किसी को SMS या WhatsApp नहीं फरमाती कि मैं आ रही हूँ और आप रेडी हो, ठीक है। जब इमरजेंसी हो जाती है तो आप याद रखें कि आपके लिए वो किसी डिज़ास्टर से कम नहीं होगा, और लोगों के लिए वो छोटी सी इमरजेंसी होगी
जिसका आप बोर्ड किया होगा सदा भवन के रापे हो तो ठीक है और वो बेहोश हो, या आपने देखा कि वहाँ पर एक बंदा जो है वो किसी बाजार में या किसी ऐसी जगह पर गिरा आपके सामने, तो आप याद रखिए कि लोगों के लिए बहुत आम इमरजेंसी होगी, लेकिन आपके घर में जो मसला आए हैं, जो एक पेशेंट आपके सामने पड़ा है, तो वो किसी डिजास्टर से कम नहीं है आपके लिए। तो फिर आपने पैनिक नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल इस्तेकामत के साथ एक इमरजेंसी में दूसरी इमरजेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, असिना चाहिए आगा पक्षी और पता से चलू, और इतना पैनिक नहीं होना है कि वहाँ पर घर वालों को भी सर पर उठा दें, नहीं, बल्कि इमरजेंसी जब होती है तो आप लोगों की कैपेसिटी, आप लोगों ने जो ट्रेनिंग की है उस ट्रेनिंग को अपना बैकबोन बना के उससे निपटने की कोशिश करें। याद रखें कि इमरजेंसी को हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, उसके असर आपको, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ हद तक। अरे एक बंदे से ब्लीडिंग हो रही है तो मैं उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, ब्लड नहीं है वहाँ पर तो ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे बंदे का हार्ट टूटा हुआ है, अच्छा जी मेरा मसल वहाँ पे क्या होगा जनाब, उसकी दर्द में आपने कमी लेकर आनी है, ठीक है, उसके लिए तरीके हैं ताकि उसको कम से कम दर्द महसूस हो, लास्ट माह देखकर सरगम न दे, ठीक है। अगर इस तरह के वाक़ात आपके सामने हैं तो एज ए फर्स्ट एडर आपका सीना बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की इमरजेंसी में जब आप लोग जाओगे, अल्लाह ना करे वहाँ पर कुछ लोग एग्रेसिव मूड के होते हैं, वो आपको थप्पड़ भी रिसीव कर सकते हैं, वो आपको गालियाँ भी जो है वो देंगे, लेकिन एज ए वॉलंटियर एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपका सीना बड़ा होना चाहिए। जब आप अपने आप को ऑक्सीजन दोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए वो इमरजेंसी जो होगी वो इतनी बड़ी नहीं होगी जितना कि लोगों को नज़र आ रही होगी। तो अल्लाह ना करे हमारा जो वास्ता होता है जब अलखिदमत फाउंडेशन के साथ हम मिलते हैं इस तरह के वाक़ात में, तो ज़्यादातर जो हमारी मुलाकात होती है तो वो इस किस्म की इमरजेंसी में होती है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मास कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स। मास कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स आप अपने जहन में बिठाएं कि जब 3, 4, 5, 7 और इससे आगे आप जाएं 70, 80, 90 लोग आपके सामने एक ही जगह पर क्या हो गिर जाए ड्यू टू बम ब्लास्ट, ड्यू टू बिल्डिंग डिमोलिशिंग, जो भी हो, लेकिन वहाँ पर उस हादसे के नतीजे में मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मेरी टीम उनको संभालने में नाकाम हो गई। तो हमारी जो मुलाकातें होती हैं अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़ात जिसमें अलखिदमत हमें हाथ देता है, हम उनको हाथ दे देते हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ द सर्वाइवल रेशो, ताकि वहाँ पे 80 बंदे अगर पड़े हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि 80 को हम बचें, ठीक है। तो वहाँ पे हम एज ए ब्रदर एंड सिस्टर आपस में मिलकर वो चीज़ सॉल्व कर देते हैं। तो अल्लाह ना करे अगर इस तरह के वाक़ात हो और आपका ताल्लुक अगर दीन से है, किसी का बलगौर से है, किसी का मुमांद एजेंसी से है, वहाँ पर रेस्कोर डिपार्टमेंटल उर्दू की सर्विसेज काफ़ी आपसे दूर है, वहाँ पर खिदमत की जो सर्विसेज आप उसके वॉलंटियर हैं लेकिन आपकी सर्विसेज आपसे शायद आपके जो स्टेशन है वो दूर है, तो आप याद रखें कि आपकी सर्विसेज विद इन मिनट्स पहुँचेगी सही, लेकिन उड़ के नहीं आ सकती। तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एज ए वॉलंटियर मैंने जो सीखा है मैंने क्या किया, तो इस किस्म के हालात से निमटने के लिए इनके सब मास्क ड्यूटी इंसिडेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपके इदारे के पहुंचने से पहले पहले कौन सी चीज़ें आपने करनी है, सीन साइज आप कर ले, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करें जहाँ पे बिल्डिंग गिरी है, ठीक है, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ पर अल्लाह ना करे बम ब्लास्ट का वाकया है, जो भी वाकया हो वहाँ पर सबसे पहले आप सीन को क्या करें सिक्योर करा दें, मेक श्योर दैट द सीन इज सेफ। तो सीन को आप इस तरह सिक्योर करेंगे एक रिबन सी बांध के, एक रस्सा सा बांध के, ताकि वो लोग उसके अंदर ना जाए जो अनट्रेंड हो, जिनको वो अवेयरनेस नहीं है, ऐसा ना हो कि वो अंदर चले जाएं और माजी में इस तरह के वाक़ात हो चुके हैं, अल्लाह ना करे एक बम धमाका हो चुका है, वो लोग अंदर जाने की कोशिश करें हेल्प करने के लिए, सेकेंडरी डिवाइस दूसरा धमाका भी हो सकता है। आपने वो चीज़ें जहन में रखे एरिया को कॉर्डन ऑफ करें, साथ साथ में वहाँ पर और भी एजेंसीज आपको ज्वाइन कर सकती है लाइक रेस्क्यू 112 लाइक सेवर डिफेंस पाकिस्तान आर्मी, जितने भी रिस्पॉन्डर्स होंगे वो आपके पास पहुँचेंगे। अच्छा जब वो पहुँचेंगे तो साथ साथ में आप लोगों को ट्रियाज भी करनी है, जो आपको मैंने 50-60-70 बंदे बता दिए, तो उन 50-60-70 बंदों को मैंने किस तरह डील करना है। मेरी वॉलंटियर की जो टीम है वो तो तकरीबन 6 से लेके 8 बंदे हैं वहाँ पर हम उस स्पॉट पर, अभी सर्विसेज काफ़ी हमसे दूर हैं और जो टाइम गुजर रहा है उस टाइम को हम गोल्डन टाइम कहते हैं,
कभी होता है मौत हमारी गोल्डन टाइम गोल्डन टाइम या गोल्डन मिनट्स दस रोज रूम में नटू ना आपने रेस्यूटेबल वंडरफुल टू की इतला दे दी जितने भी एजेंसीज होगी वो पहुंचेगी लेकिन आप लोगों ने कहाँ पर कौन सी चीज़ पर काम कर लिया कम अज कम ट्रियाज कर लें वहाँ पर कैटेगराइजेशन ऑफ द विक्टिम्स अकॉर्डिंग टू देयर इंजरीज मरीजों की दर्जाबंदी कर दें ठीक है दर्जाबंदी करने से ये आसानी होगी कि वहाँ पे 80 बंदे अगर पड़े हैं तो उन 80 में से आपको चार किस्म के लोग मिलेंगे कितने जनाब चार तो वो चार किस्म के लोग कौन कौन से हो सकते हैं ठीक है उसमें जो आपको टॉप में मिलेगा जनाब वो है ग्रीन कैटेगरी के मरीज ठीक है सबस कैटेगरी के पेशेंट जब आपको ये कैटेगराइजेशन पता होगा तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में अल्लाह ना करे अगर कोई वाकया होगा तो आपको उनको कैटेगराइजेशन में कोई मसला नहीं आएगा और वहाँ पे जो सबसे मुस्तहिक पेशेंट है जो मोस्ट वल्नरेबल है ठीक है उसको अपना हक पूरा पूरा मिलेगा तो लिहाजा चार किस्म के लोग आपको मिलेंगे उसमें टॉप पे मैंने कौन सी चीज़ बता दी ग्रीन सबस कैटेगरी के पेशेंट अच्छा ये वो लोग होते हैं कि ये वाक वाउंडेड होते हैं ठीक है उनको जख्म भी आए होते हैं लेकिन इतने सिवेयर किस्म के जख्म नहीं होते वो चल करके आपको बता देते हैं कि फला जगह पे ये वाकया इस वजह से पेश आया दूसरा जो मरीज आपको मिलेगा वो है येलो कैटेगरी के पेशेंट्स ये वो मरीज होते हैं जिनको हम डिले करते हैं जिनको फ्रैक्चर्स आ जाते हैं लोअर लिम्स में उसके अगर पैर टूटी हुई है तो वो उठ नहीं सकता और साथ साथ में हाथ उसका टूटा हुआ है तो वो वहाँ पर इतना शोर मचाएगा कि आपकी तवज्जो सबसे पहले उसे बंदे पे जाएंगे अच्छा तीसरे नंबर पे ये कौन है रेड कैटेगरी के मरीज सुर्ख कैटेगरी के मरीज सुर्ख दर्जे के मरीज ये वो होते हैं जो आपको हेल्प के लिए नहीं पुकार सकते कि भाई इधर आ जाए जिस तरह आपके सामने ये बंदा पड़ा तो ये आपको पुकार नहीं सकता कि मेरी हेल्प के लिए आप आ जाएं बल्कि आपने देखना होगा अच्छा इस मरीज के साथ आपके ख्याल में क्या हुआ होगा वो अनकॉन्शियस प्लस इंजर्ड भी हो सकता है बेहोश भी है और उसको इंजरी भी आ चुकी है किस किस्म की इंजरी ब्लड बहने की वजह से खून निकलने की वजह से वो सदमे की तरफ चला गया शायद इसलिए वो बेहोश हो के मुझे जवाब नहीं दे रहा और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे जिस गाड़ी की एक्सीडेंट हो चुकी है मोटर वे पर उस ग्लास की वजह से अल्लाह ने जो हमारी रगे बना के रखी है कोई स्टील से नहीं बना के रखी है अभी अगर यहाँ पर कोई बंदा आके सरप्राइज करे हमें तो हमारा दिल उछल जाता है अगर कोई खौफनाक सीन हम देखते रहे तो हमारा दिल उछल जाता है तो हम सदमे की तरफ चले जाते हैं और वही सदमा अल्लाह ना करे अगर आपने सही तरीके से उस बंदे के ट्रीटमेंट नहीं करी वो लीड करता है उस बंदे को टू वर्ड्स द कार्डियक अरेस्ट तो लिहाजा आपको तीसरा जो मरीज मिलेगा जनाब वो कौन सा मिलेगा रेड जो आपको पुकार नहीं सकता बल्कि आपने अपने आंखों से स्कैनिंग करके जिस तरह खूब स्टेट की मशीन स्कैनिंग करती है इसी तरह स्कैन करके उस मरीज के पास जाना और चौथे नंबर पे कौन है एक लतीफ से आपको नजर आएगी ब्लैक कैटेगरी के पेशेंट्स भी आपको मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे बम ब्लास्ट का वाकया है वहाँ पे सिलेंडर फटा है वहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है तो वहाँ पे आप इसकी बिल्कुल मुतवक्के रहे कि मुझे ये चार किस्म के लोग मिलेंगे अभी आपकी कम्प्लीट तवज्जा आपके ख्याल में इन चारों में से किसकी तरफ होनी चाहिए सबसे पहले आपकी कंप्लीट या जिसको हम एक्सट्रीम केयर कहते हैं जिस तरह आपके घर में अम्मी अबू सबसे जो छोटा बच्चा होता है उनके लिए अलग सा एक केयर होता है और आपकी अलग सी एक केयर होती है तो लिहाजा इस मरीज़ का आप पे हक बनता है कि आपने जिस तरह कैटेगराइजेशन कर ली तो आपने सबसे पहले डील करना है रेड कैटेगरी के मरीज़ों को LRS कैजुअल्टीज में मैंने ड्यूटी की है सामने जो हमारे साथी बैठे हैं खिदमत के इन्होंने भी इनकेस ऑफ मास कैजुअल्टी इंसिडेंट्स हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं तो आप यकीन मानेंगे वहाँ पे जितने लोग चिल्लाते हैं सब लोग उनके पीछे भागते हैं लेकिन वो बेचारा जो हेल्प के लिए नहीं पुकार सकता जो आपको पुकार ही नहीं सकता वो उधर ही उधर पड़ा रहता है तो कहने का मकसद ये कि आपने ग्रीन को उसी जगह पे छोड़ना नहीं है बल्कि उनको आपने तसल्ली देनी है रीअश्योरेंस उसकी करानी है आपके पास वो स्टेट का किट है आप चले गए आपने देखा कि यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है ठीक है सुपरफिशियली चमड़े के नीचे से लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है लेकिन खून ने उसके चेहरे पर इतने ढका हुआ है कि जो अनपढ़ बंदा है जो अनअवेयर बंदा है वो आगे उसको घबराहट में मुबतला कर दे जिसको हम एंजाइटी कहते हैं तो लिहाजा आप इसको तसल्ली देनी है
कि इतनी खतरनाक जख्म नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। तो आपने ग्रीन को तसल्ली देकर इग्नोर नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। फिर मैंने क्या करना है, येलो को भी आपने इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसको भी मैंने बाद में देखना है। आपकी कंप्लीट तवज्जो किसको होनी चाहिए, रेड कैटेगरी के मरीजों को। और जो ब्लैक होता है, ब्लैक को क्या है कि जनाब वो हमें मुर्दा हालत में मिलते हैं। अच्छा, ब्लैक को एज ए वॉलंटियर, एज ए मेडिकल टेक्नीशियन, यू आर नॉट ऑथोराइज टू डिक्लेयर समवन डेड, कि ये बंदा क्या है कि ये मरा हुआ है। ग्राउंड में कभी भी आपने ये नहीं कहना है चिदा सड़े सड़े दामर दे दाढ़ी क्लियर कौन अच्छा कर रहे हैं। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर जो एक डॉक्टर होता है जो हॉस्पिटल में प्रॉपर एक ईसीजी निकाल लेते हैं, और इस ईसीजी पे एक स्ट्रेट सी लाइन होती है सीधी, और फिर वो रिप्लाई में हमें क्या कहते हैं कि अल्लाह रिता सुबह धड़ो सबर कर। उससे पहले वो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये मरा हुआ या जिंदा है, क्योंकि उसको ये जानने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। प्यूपल्स को चेक करना, हाथों की पुतलियों को, यहाँ पर पल्स को देखिए कि दिल चल रहा है कि नहीं। लेकिन वो चीप लगा के कहते हैं कि बाजी ईसीजी की मशीन लेकर आओ। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अल्लाह ना कर अगर आपके इलाके में किसी को बिजली का शॉक लगा, लोग उसको मरने से पहले उठा के क्या कर देते हैं, ज़मीन में इतना इतना दरगोर कर देते हैं। अभी मेडिकल की किसी भी किताब में ये चीज़ नहीं लिखी है कि आपको इनकेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक किसी को उठा के ज़मीन में गाड़ते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के साइड पर अगर आप देखें तो ज़मीन खींचती है करंट को, जो फिनोमेना है। लेकिन अगर एक बंदे को आपने नोट किया कि लोगों ने इतना इतना उसको ज़मीन में भी गाड़ के रखा है, और फिर अगर आप कहेंगे कि नहीं इसको बाहर निकाल दें, अपने लिए मुश्किल पैदा ना करें एज ए वॉलंटियर, बाद में देखें चैलेंज यू इन द कोर्ट, देखें सी यू इन द कोर्ट, वो कहेंगे जितना भूखा बस के लोग होता रहा तभी नहीं जितने। तो लिहाजा आपने किसी भी मुर्दे बंदे को डिक्लेयर नहीं करना। एक सूरत में कर सकते, तो आपके ख्याल में वो कौन सा सूरत होना चाहिए, ऐसा कौन सा सूरत होना चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंटली जिला नगर से सीखा हो दस लड़े खत्म है। मेडिकल जी, मेडिकल की रिपोर्ट के बाद, अब मेडिकल रिपोर्ट इज इन द हॉस्पिटल, यू आर जस्ट इन योर ओन हाउस, अपने घर में हो आप, ठीक है, अपने गांव में हैं आप, उसकी नोज से सांस चेक कर, ठीक है, हार्ट बीट चेक कर, ठीक है, अच्छा जी, एक सूरज जो इन्होंने बता दी कि वहाँ पे ट्रक गुजरा, जहाँ पे बंदे का सर वहाँ पे पड़ा है, उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ा है, जिसको हम इम्पोटेशन कहते हैं। तो फिर सारी दुनिया इकट्ठी होगी, ये कह सकती है हाँ दिस पर्सन इज डेड। एक बंदा आपको किसी कोई कहतों से मिला, किसी कमरे से मिला, 5-6 दिनों के बाद उससे डिकम्पोजिशन गला सड़ा हुआ आपको मिले, आप कह सकते हैं कि हाँ डेड है, एक्सीडेंट बिल्कुल ताज़ी हो चुकी है, और उससे सारे ऑर्गन्स यहाँ पे फेफड़े भी बाहर आ चुके हैं, सारे अंतड़ियाँ भी बाहर आ चुकी है, ये ऑर्गन्स उसके बचने के चांसेस ही नहीं है। तो आप याद रखें कि यहाँ पे कितने कलर्स मैंने आपको बता दिए, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक। अभी एक और है जिसको हम ब्लू कैटेगरी कहते हैं, ठीक है, नीला कैटेगरी। तो इसमें इसलिए हमने ऐड करके नहीं रखा है कि फिर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे कैटेगरी है कि आपको पता चले कि 99.999% आपको पता है कि इसके बचने के कोई चांसेस हैं। आपको वो बंदा देखेगा भी, उससे सारे ऑर्डर्स बाहर आ चुके होंगे, और वहाँ भी थोड़ी बहुत उसकी पल्स, लेकिन उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो उसको हम ब्लू कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन उस पर टाइम ज़ाया ना करें, आपने कंप्लीट तवज्जो रेड को, फिर उसके बाद येलो को देखें, और फिर ग्रीन को देखें। आप याद रखें ये कैटेगराइजेशन के लाती है ट्रियाज, ठीक है। आपके लिए अगर ये वर्ड नया है तो आप याद रखें कि ये कोई नई वर्ड नहीं है। आप अपने इलाकों में जो आपके लोकल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में जब आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाते हैं चेकअप से पहले, एक पर्ची आप बनाते हैं, ठीक है, 10 रुपये की या 20 रुपये की पर्ची बनती है। आप जाके वही पर्ची लें, और इस पर्ची के कोने में लिखा होता है ट्रियाज, ठीक है, और बताता हूँ ये 6 नंबर कमरे का,
अच्छा, छः नंबर कमरे में जाके वो डॉक्टर जो बैठा होता है वो क्या कर रहा होता है, मरीजों की दर्जाबंदी। दो किस्म के मरीज उसके सामने आ जाते हैं, एक कहते हैं कि मुझे जुकाम है, और दूसरा कहते हैं जी डॉक्टर से जमा सीने चक्कर में दातन जतेंगे कि ही और दर्द दी से लगावा के जमा अपन लास्ट और जबड़े रहे नहीं बोले। तो डॉक्टर सबसे पहले किस मरीज को देखे, सीने वाले पेशेंट को, जो कहते हैं कि मेरे दिल में क्या हो रहा है, मुझे सीने में तकन हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसने उसको टैग करना है, रेड कैटेगरी एक स्टैंप लगा देते हैं, उसको कहते हैं जी 9 नंबर कमरे इंतजाम मसाओ, और उसको जिसको जुकाम है उसको ग्रीन में डालते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि वहाँ पे वो दर्जाबंदी करता है, वो इसलिए करता है कि ऐसा ना हो कि जो मुस्तहिक बंदा हो वो इलाज के बाहर रह जाए। अभी ये कैटेगराइजेशन रेस्क्यू 112 की तरह करती है कि जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम रिबन्स पहनाते हैं, ठीक है, किसी को ग्रीन किसी को रेड। यह टैगिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हॉस्पिटल वालों को भी पता चले कि हाँ ये बंदा मोस्ट वल्नरेबल है, ज़्यादा मुस्तहिक है। अभी अल्लाह ना करे अगर आपके सामने इस तरह का वाक़या हो, तो इसलिए आज का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि अगर आपकी आपराधिक कुवत वहाँ पर कम है, आप 5 बंदे हैं वॉल्टियर्स की टीम है आपकी, आपके सामने अल्लाह ना करे किसी स्कूल में किसी जगह पर हादसा हो, वहाँ पर 60 बंदे गिर जाए, आपने वहाँ पर जाके एक आवाज़ लगा देंगे कि जो लोग चल फिर सकते हो और मेरी आवाज़ सुन सकते, तो वो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, उसी की लोकल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करें, लोकल जुबान का, तो वो लोग जो आपका मैसेज सुनेंगे तो वो कौन कौन होंगे, सबस कैटेगरी के मरीज और येलो कैटेगरी के मरीज। तो अभी अगर 60 में से 20 बंदे उनके साइड पर होंगे तो वहाँ पर शरह क्या होगी, कम हो जाएगी। अभी कौन कौन नहीं उठ रहा, ब्लैक नहीं उठ रहा, रेड नहीं उठ रहा और येलो, येलो को भी आपने आंखों से स्कैन कर दिया, हो सकता है कि 5-6 वो हों और हो सकता है कि वहाँ पे ब्लैक भी हो। अभी आपकी टीम इस काबिल है कि वो जाके रेड को आसानी से जो ना वो कवर कर लेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप उस हादसे को अपने आप पे हावी ना करें, ठीक है। हादसा हुआ, सीन को रिकवर कर लिया, जाके आसानी से उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लें और वहाँ पर कैटेगराइजेशन ऑफ द विक्टिम्स कर लें। आपकी जो खिदमत की टीम वहाँ पर अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़े में पहुँचती है, तो वो इंशाल्लाह इतने खुश होंगे, खुश इसलिए होंगे कि वहाँ पे 100 में से 50% काम आपने पहले से करके दिया होगा। तो इस दर्जाबंदी का मेन मकसद मरीज़ों को उनका हक दिला देना है और अपने एक तरतीब बना देना है ताकि कीमती टाइम बचे, क्योंकि 5 से 6 लीटर का खून है, इसमें अगर 2 लीटर खून जो ना वो लॉस हो तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, फिर बचने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी कि मरीजों की दर्जाबंदी क्यों ज़रूरी है और ट्रियाज किसे कहते हैं, सिंपली मरीज़ों की दर्जाबंदी उनकी जख्मों की नौइयत के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा देगी और इंशाल्लाह कल के दिन हम इस पर एक प्रैक्टिस भी करेंगे, एक सिनारियो आप लोगों के लिए बनाएंगे और उस सिनारियो में आपको ये चारों के चारों मरीज़ मिलेंगे, और हो सकता है कि वहाँ पर 8 मरीज़ हों, 10 मरीज़ हों, 20 मरीज़ हों, आप लोगों की एक टीम मैंने बना देनी है, फिर इंशाल्लाह आपका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट को आप इस तरह समझे कि ये रियल केस है, उसमें आपने रिस्पॉन्ड करना है और बाकी जो चीज़ें हमने सीख ली इंशाल्लाह अगली चीज़ें आपने जाके वहाँ पे रेड के लिए क्या करना है, ग्रीन के लिए क्या करना है, ब्लैक के लिए क्या करना है, वो इंशाल्लाह साथ आपने करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई शर्त तो नहीं है जनाब? अच्छा, मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए, 2। थैंक यू। अच्छा, अमूमन हमारे घरों में, हमारे इलाकों में, डेली रूटीन में ऐसी कौन सी इमरजेंसीज होती है जो हमें डिस्टर्ब करा देती है, जो हमें स्कूल जाने से रोक देती है, हमें काम पे जाने से रोक देती है, और अगर मैं खुद जा रहा हूँ लेकिन दूसरे के साथ अगर वाक़ हो जाते हैं तो मेरा काम अधूरा रह जाता है, क्योंकि मैंने उस बंदे की फर्स्ट एड करा दी है, मैंने उसकी जान बचा दी है, ठीक है। तो लिहाजा ऐसी कौन सी इमरजेंसीज होती है जो डेली बेसिस पे हमारा काम जो है ना वो बिगाड़ देती है? अच्छा, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसके अलावा कौन सी हो सकती है? हाँ, घर में किसी का गिरना, सीढ़ियों से गिरना, जी बच्चों का गिरना,
बच्चों का सीढ़ियों से गिरना, जब वो गिर जाते हैं तो फिर हम स्कूल कॉलेज अपना काम भूल जाते हैं, हमारा फोकस हमारा टास्क वही हो जाता है जो दर्शकों को रहना कम्प्लीट से मेरी मुख पर कार्य तो जो शुरू होता है। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है बैटल। और जी हार्ट अटैक मुरादर खाने खाते रहते हैं, अपना कोलेस्ट्रोल डाइट का ख्याल ही नहीं रखते होते हैं और अचानक यहाँ पे दर्द होता है, लेकिन हम कहते हैं जितना केस डॉक्टर को चेक ही नहीं करा देते हैं और फिर जो दूसरा अटैक होता है तो वो हमें ये दुनिया से लेकर जाती है। और जी अच्छा जी फोर्थ की होगी हो ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट के लिए लोग पेट्रोल सर पर डाल कर माचिस जला देते हैं, सारा जल जाता है। तो आप लोगों ने डिफरेंट इमरजेंसीज को जो आपके जहन में ये चीज़ें आ गई आपने जो ना वो इकट्ठा कर दिया। अब इन इमरजेंसीज में जो टॉपिक है वो है खून का बहना, ब्लीडिंग ठीक है। अभी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए इधर आ जाएं, आप जब सबसे पहले उस बंदे के पास पहुँचे एज ए वॉलंटियर और जो काम आप परफॉर्म करने वाले हों जिसको हम आप अपने ज़ुबान में क्या कहते हैं फर्स्ट एड, तो कोई एक बंदा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड, ये किस बला का नाम है? जी आपने से जो मेरे साथी बैठे आप ही कुछ ऐड करें शाबाश, उसको हौसला देते हैं ठीक है, उसके बाद वो उसकी बेबी की क्या पसंद है उसको ठीक है। थैंक यू। और जी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करेंगे। अच्छा मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो स्टॉप कर रहे हैं जो अमल आप परफॉर्म करने जा रहे हैं इसका नाम तो है ही फर्स्ट एड, इब्तिदाई कौन सी दाद? तिबीम दाद। तो अभी ये इब्तिदाई तिबीम दाद आप अपने जहन में रखेंगे, तभी किस चीज़ से ऐसे क्या मंगा लेते भी मेडिकल, आप किस्म की उस बंदे की हेल्प कर रहे हैं ताकि उसकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको मैं क्या करूँ जिस हालत में है इस हालत को और जो है ना वो खस्ता होने से मैं क्या करूँ बचा लूँ। अगर उसको पैर में लगी है वहाँ पे फ्रैक्चर है तो मैंने ऐसा नहीं करना कि जाके उसी पैर से उसको पकड़ के घसी लूँ, बल्कि मैंने उसकी इंजरी में एग्रीवेशन नहीं करनी बल्कि कमी लेकर आनी। अच्छा जी आप याद रखें कि तिबी से मुराद तिबी भी ये नहीं है कि आप जाके कोई इंजेक्शन उठा के उस बंदे को लगा दें वहाँ पर जाके उसके लिए कोई ऑपरेशन कर दें, नहीं सिंपली उस भाई ने जिस तरह कह दिया कि इब्तदाई तिबी मदाद से मुराद हैं किसी बंदे की हेल्प करना, उसकी मदद करना डॉक्टर के आने से पहले, किसी माहिर बंदे के आने से पहले, एम्बुलेंस के आने से पहले, हॉस्पिटल या जो है ना हॉस्पिटल की शिफ्टिंग से पहले, इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट एड इब्तदाई इमदाद। जो आपको स्किल्स आ रहे हैं जो आपने चीज़ें सीखी है उसी को उठा के उस बंदे की जान बचाओ। अच्छा उसके लिए कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है कि नहीं, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए फर्स्ट एड देने के लिए आपके पास, कौन सी चीज़ होनी चाहिए? कॉटन, हाँ एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें कॉटन बैंडेजेस, जिसमें क्रिप बैंडेजेस, जिसमें ट्रायंगुलर बैंडेज जिसको तिकोनी पट्टी कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें जिससे मैं उस बंदे की जान बचाने में नाकाम ना रहो। अच्छा इसके अलावा अगर आपके पास वो फर्स्ट एड किट नहीं है तो तब आप लोगों ने कौन सा डिसीजन लेना है? बेटर विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो मौजूदा ज़राए हैं, विद द हेल्प ऑफ योर कंधे वाला रुमाल, विद द हेल्प ऑफ योर शॉट, जो भी आपके पास अवेलेबल है साफ सुथरा उसी को उठा के आप उस बंदे की जान बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा फर्स्ट एडर जो होता है वो कभी भी आपने आपको क्या ना समझे। अच्छा जी ज़बरदस्त, अगर उस बंदे ने अपने आप को डॉक्टर समझ लिया तो वो बन जाएगा नीम हकीम खतरे जान। आप याद रखें कि ये जो मैंने चीज़ कही नीम हकीम खतरे जान या तो हम सुनते आ रहे हैं लेकिन इसके जो नुकसान है आप याद रखिए कि दुनिया में 100 में से 80% जो लोगों की मौत वाक़ हो जाती है वो ड्यू टू द ह्यूमन एरर्स, इंसानी गलतियों की वजह से उन लोगों की जान निकल जाती है। आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो हेल्प उनको महंगी पड़ गई और उसने जो रिवार्ड में देना है उसकी जान चली। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट एडर अपने आप को एज ए फर्स्ट एडर समझें, एज ए रिस्पॉन्डर समझें और आप वो चीज़ें करें उस दायरे तक करें जो आपने सीखी है। अगर आपने उस लाइन को क्रॉस कर दिया ऑटोमेटिकली नुकसान किसको होगा?
मरीज को, और मरीज को जब आपको देख लेता है, आपको स्टेट टेप देख लेता है, वो बेचारा वैसे ही मुंह से निकल जाता है डॉक्टर से दादा से मुँह कर के। ऐसा ना हो कि वो डॉक्टर आप यहाँ पे बिठा दें जो उसको ज़्यादा डॉक्टर को मिलो उसको मैं पूरी इलाज करूँ। तो लिहाजा आपने कभी भी वो चीज़ अपने जहन पर हावी नहीं कर दी है, वो चीज़ें परफॉर्म करें जो आपको आती है। आपको नहीं आ रही, जो नेक्स्ट बंदा आपके सामने आया है या वहाँ पर पहुँचे, तो आप अपनी उस मरीज़ को फिर उनको हैंड ओवर कर दें ताकि उसकी जान बच जाए। अच्छा, यहाँ पे जो आपके दो साथी खड़े हैं, एक होगा पेशेंट और दूसरा होगा कौन, आपका फर्स्ट एडर होगा। अभी फर्स्ट एडर जो होगा वो जनाब बिल्कुल अपने आप को तसल्ली देगा, इमरजेंसी को अपने आप पे हावी नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि ब्लड को देख के उसको ब्लड फोबिया हो और ख़ुद ही वहाँ पर बेहोश हो, और ऐसा ना हो कि मरीज़ को देख के ही, ब्लड को देख के ही ये कह दे चुको हो बसता भी होता बस की दूसरी सर्विस अहदा वाला ब्लू कैटेगरी वाला। नहीं, आपने उसको तसल्ली देनी है। रीअश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तसल्ली दे, और तसल्ली देने के बाद ये ऐसा है कि आपने तकरीबन 100 में से 50% उसकी रिकवरी कर ली, अगर आपने सिर्फ तसल्ली दे दी। अगर आपने आके ये बना दिया इस तरह का कि कोबरा था तो हो, उसको जो जहर है वो तो नहीं मन रहता कि सारे खत्म है। अगर आपने ये निशान भी बना दिया तो आपने उस बेचारे की जान निकलवाने में और भी मदद कर दी। वो मरेगा, अगर मरेगा 1 घंटे में तो आपकी, आपने जो चीज़ उसके जहन पे हावी कर दी उसकी वजह से वो जब जो है वो खराब हो। तो लिहाजा फर्स्ट एडर अपने आपको डॉक्टर ना समझें, अपने आपको ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन से मुराद ये नहीं कि अपने साथ सिलेंडर घुमा फिरें और सिलेंडर अपने आपको लगा दें ऑक्सीजन थेरेपी के लिए, बल्कि अपने आपको तसल्ली देगा। जितने आपको, आप अपने आपको तसल्ली दोगे तो आप अंदर से टूटे होने, और जब आप बिल्कुल बरकरार होंगे तो आप उस मरीज़ को भी सही तरीके से डील कर पाओगे। ऐसा ना हो कि पट्टी करते हुए आपके हाथ से बैंडेज गिरे तो वो मरीज़ कहेगा कि ये तो खुद काम रहा है, मेरे लिए क्या पट्टी कर गया। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिर आपने किसकी जान बचानी है, ठीक है, मरीज़ की। तो जहाँ पर आपके पास पर्सनल सेफ्टी के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी हेलमेट होनी चाहिए, आपके गॉगल्स होनी चाहिए। आप एक चीज़ नोट करें अपने कापियों में, PPE, ठीक है, PPE, ABC वाली अल्फाबेटिक के लिए PPE और फिर E। अच्छा, PPE से मुराद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। किसी भी इमरजेंसी में देर इज़ नो नीड टू बी हीरो, ठीक है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि एक घर में आग लगी है और आपने जो रिक्शा ने यहाँ पे स्लाइड से ला दिया, तो एक बंदा हमारा जो फायर फाइटर था उसने हेलमेट भी पहन कर रखा था, उसने अपना एक सूट पहन के रखा था, विदाउट दैट सूट वो कभी भी उस आग में जाने की कोशिश नहीं करता। तो इस किस्म की इमरजेंसीज में अगर आपके सामने इस तरह का वाक्य हो तो आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन इंतहाई ज़रूरी है। ज़ाती हिफाजत को इंश्योर कराने के बाद फिर आप मरीज की तरफ जा सकते हैं। तो इसके आपको मैंने कौन कौन सी चीज़ें बता दी, हेलमेट, गॉगल्स ताकि वो ब्लड की छींटे आपके आंखों में ना चली जाएं, साथ साथ में फेस मास्क, ऐसा ना हो कि वो पेशेंट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो, टीबी का मरीज़ हो। और इंशाल्लाह जब हम सीखेंगे कि जब आप CPR परफॉर्म करेंगे तो 30 दफ़ा कंप्रेशन के बाद जब हम माउथ टू माउथ उस बंदे को सांस देंगे तो ऐसा ना हो कि वो मरीज़ TB का मरीज़ हो और इसका सेवा आपके मुँह में चला जाए। और आप तो एक वॉलंटियर हैं, आपको तंदुरुस्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद आपको खुद कमज़ोरी महसूस हो, टेस्ट कराने के बाद अल्लाह ना करे क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको लगी हो। तो हेलमेट के बाद गॉगल्स, और गॉगल्स के बाद फेस मास्क ज़रूरी है। और इसके अलावा सिर्फ मरीज़ नहीं, ऐसा ना हो कि खुद आपको कोई ऐसी बीमारी है जो इस मरीज़ को लग सकती है और वो हेल्दी है, ऐसा ना हो कि उसको ट्रांसफ़र हो। और साथ साथ में आपके शूज़ होने चाहिए, सेफ्टी शूज़, फिर जाके आप उस मरीज़ को बचाने की कोशिश करें। अच्छा, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर आप उस रिस्क को, इन्फेक्शन के रिस्क को जस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम मैं उस बंदे से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अपने हाथों को उसके जो है ना वो विदाउट ग्लव्स उसकी ब्लड में भगोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो क्रॉस पीस आपने रखी है, जो रुमाल आपने रखा है, उसी को मीडियम बना के उसके ऊपर दूसरा रुमाल रखे ताकि आपको खुद कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो आपके साथी ने पहना है तो वो कौन सी चीज़ है, आपके ग्लव्स है। ये जो मैं इनको पहनाने जा रहा हूँ इसको कहते हैं सर्जिकल ग्लव्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डिस्पोजेबल ग्लव्स ले लें, वो थोड़े से सस्ते भी होते हैं और साथ साथ में आसानी से किसी भी दुकान से वो आपको जो है ना वो मिल सकती है। तो ये पहनना चाहूँगा।
अच्छा ग्लव्स के साथ साथ आपका फेस मास्क और आपका जो मरीज है वो भी आपके बिल्कुल सामने हैं। तो पहली चीज़ जो हमने अभी कवर कर ली है वो है ब्लीडिंग कंट्रोल। और कौन सी ब्लीडिंग? हाँ, आप लोगों की जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है उसको मैंने कंट्रोल करना है, पैरों खून का बहाव। तो दो किस्म की ब्लीडिंग होती है, पैरों खून का बहाव और अंदरूनी खून का बहाव, एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। अभी इन दोनों में डिफरेंस कौन सी है? इंटरनल। हाँ, अंदरूनी खून इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ब्लीडिंग। कोई बच्चा भी ब्लड को देख के कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंटरनली जो ब्लीडिंग होती है, मैं कोई गासपीस उठा के किसी के मुंह में हाथ डाल के वो ब्लड कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए अपने तरीके हैं। तो लिहाजा अल्लाह ना करे अगर इस तरह की ब्लीडिंग आपको नज़र आए और इस तरह का वाक्य आपको नज़र आए तो आपने जल्द से जल्द उस ब्लड को कंट्रोल कर देना। अभी आपको पता होना चाहिए कि इस ब्लड को कंट्रोल करने से पहले एज ए फर्स्ट एड क्या अल्लाह ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की रगें बना के रखी हैं, उन रगों के फिर साइंसदान ने अपने नाम वगैरह रखे हैं और हर रग की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारे जिस्म में एक होती है वेंस और दूसरी होती है आर्टरीज, रगें और शरियाने। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट लुक एट योर रिस्ट, अपनी कलाइयों की तरफ जरा देखें और जो आपको रगें नज़र आ रही है जरा कलर बताएं। ब्लू। हाँ, ब्लू नीला शीप। ठीक है, हाँ, इसमें कौन सा ब्लड आपके ख्याल में दौड़ रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, बाई की बात की समझ आई, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाथ खड़ा करें। ठीक, अच्छा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद है वो खून जिसमें अभी ऑक्सीजन शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो अल्लाह ने ये जो रगे जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें कौन सा ब्लड रखा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साधारण पालों के और दरूम का गंदे ही हुआ। तो लिहाजा अभी इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं हुई है, तो ये ड्रगों के जरिए ये ब्लड जो है ना वो दौड़ रही है किसकी तरफ? हमारी दिल की तरफ। हाँ, दिल की तरफ। तो अल्लाह ने दिल के कितने खाने बना के रखे हैं? 4 चैम्बर्स हैं। अभी यहाँ पे ये ब्लड आती है तो ये दिल क्या कर देता है कि इस ब्लड को भेजता है टुवर्ड्स द लंग्स, फेफड़ों की तरफ। अच्छा, फेफड़ों की तरफ क्यों ये भेज रहा है? हाँ, आपने जो ऑक्सीजन ली है तो ये जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो उसके लिए अल्लाह ने यहाँ पे मशीन बना के रखी है, तो इसी मशीन के जरिए उसमें कौन सी चीज़ शामिल हो जाती है? ऑक्सीजन। अभी वो खून जो इन रगों में दौड़ रहा है जो आपको नज़र आ रही है, जिसमें डॉक्टर साहब आप जब ड्रिप लगाते हैं आपको तो वो तब वो ये डाला सर कटेट का और उसको एक रग नज़र आ जाते हैं, फिर उसमें ही वो क्या कर देते हैं? वो पास कर देते हैं। तो ये आपके एक्चुअली वेंस हैं, रगे हैं। तो लिहाजा इसमें कौन सा खून दौड़ रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड या गंदा खून। अभी ये खून यहाँ से ट्रैवल करके 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 सफ़र करके आता है दिल की तरफ, दिल इसको बैच देती है किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। और फेफड़ों से इसको ऑक्सीजनेटेड, इसको यहाँ पे इसमें ख्वारी और मेहनत हो जाती है। अभी जिस चीज़ पे ख्वारी और मेहनत हो जाती है तो अल्लाह ने जिस चीज़ की कदर कम है वो भी वाजे करके रखी है, और जिस चीज़ की कदर ज़्यादा है उसके लिए भी बंदोबस्त फरमा के रखे। अभी जिस चीज़ की कदर कम है तो आप अपने आँखों की मदद से, आप लोगों ने देख भी लिया, आप लोगों ने कलर भी बता दिया, आपने सब कुछ बता दिया। अभी जब इस पर ख्वारी और मेहनत यहाँ पे हो गई, ये साफ़ सुथरी बन चुकी है, ठीक है, तो फिर ये हमारी वेंस में नहीं बल्कि हमारी आर्टरीज में ये खून दौड़ती है जिसको हम फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसमें खून इस खून में ऑक्सीजन ज़बरदस्त तरीके से शामिल हो जाती है। और आप याद रखें जो यहाँ पर हमारे जिस्म में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, इदारे का जो मशर होता है, ठीक है, तो हमारे जिस्म का जो मशर है वो कौन है? जिससे सब कुछ कंट्रोल होता है तो ब्रेन। अभी ये दिमाग यहाँ पे इधर उधर का खून नहीं मांगता बल्कि इसको कौन सा खून चाहिए होता है? वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको साफ सुथरे खून की जो है वो ज़रूरत होती है। तो फिर अल्लाह ने एक आर्टरी यहाँ पे बना के रखी है, शोमी और थम, इस तरह बनाइए थम, ये अंगूठा उठा के यहाँ पे रखें तो आपको यहाँ पे एक आर्टरी जो है ना वो पाँव सी करती हुई मिलेगी, मिल रही है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सर की। तो एक आर्टरी यहाँ पे है, दूसरी आर्टरी यहाँ पे है, और इनके जरिए किस चीज़ की सप्लाई हो रही है टूवर्ड्स द ब्रेन? वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, साफ सुथरा खून की सप्लाई हो रही है। अगर तो एक बंदे ने किसी को यहाँ से पकड़ लिया गप शप में भी तो एक बंदा थोड़ा सा लाल हो जाता है और लाल होने के बाद नीला पड़ जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से
बंदा लीड कर जाता है टुवर्ड्स द साइनोसिस, सेकंड द ऑक्सीजन सप्लाई कम से सका दिमाग तरफ का, तो जब ब्लड आगे की तरफ नहीं जाएगा वो बंदा विद इन 2 मिनट्स बेहोश होगा वो गिरेगा। तो लिहाजा जिस खून को हमने अभी मैंने आपके सामने रख दिया साफ सुथरा, तो वो किन चीज़ों में दौड़ देंगे, आर्टरीज में। तो आप लोगों ने विद हेल्प ऑफ योर काम वो कौन चीज़ महसूस कर दी, अल्लाह ने उसको गहराई में बना के रखा है, ठीक है, गहराई में इसलिए बना के रखे कि उसकी कदर ज़्यादा है, उसका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है, उसमें जो खून दौड़ रहे थे वो भी एक प्रेशर के साथ दौड़ रहे होते हैं। जिस तरह आप डॉक्टर साहब के पास चले जाते हो और सवाई छिमाला ब्लड प्रेशर से कम, तो आप ये बताएं कि वो कफ कहाँ पे बांधता है, गले पे बांधता है या यहाँ पे बांधता है, हाथ पे बांधता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक प्रेशर पॉइंट है जिसको हम ब्रैकेट प्रेशर पॉइंट कहते हैं, वो उसे अंदाज़ा लगा देते हैं बताते हुए जिस तरह दोनों ब्लड प्रेशर, वो जानना चाहता है असल में कौन सी चीज़ उस आर्टरी के अंदर जो खून की बदमाशी है उसको देखने के लिए, जिसकी प्रेशर कितनी है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, आपके जो रग है उस रग के मुखालिफ इसमें ये खून किस तरीके से तोड़ रहा है। तो लिहाजा आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है अगर हमारी वो बड़ी सी रग बढ़ जाए, और एक होती है हमारी वेन से ब्लीडिंग। तो अल्लाह ना करे अगर ये रगें बढ़ गई यहाँ पे, जिस तरह सर ने यहाँ पे ऐड किया, एक भाई ने ऐड किया कि कुछ लोग सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए क्या करते हैं अपने नसें काट देते हैं, अगर तो वो ट्रेन और माहिर हैं तो उसको पता होता है किससे मैं मरूंगा नहीं, आ जाऊँगा ये काट दो और मेरा काम भी निकल जाएगा। तो ये काटने से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड की जो फ्लो होगी खून का बहाव क्या होगा वो स्लो होगा, और ब्लड का जो कलर होगा वो सिर्फ रेड होगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैकिश रेड, आपको बिल्कुल ब्राइट रेड नहीं होगा बल्कि सिर्फ रेड ही खून आपको नज़र आएगा, और उसकी जो फ्लो होगी वो कम होगी, उसका बहाव थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये आर्टरी यहाँ पर रप्चर हुई, ये आर्टरी यहाँ पर रप्चर हुई और वो बड़ा सा रग यहाँ पर रप्चर हुआ, तो खुदा न खास उसे जो भी ब्लीडिंग होती है वो होती है पल्सिंग एंड स्पर्टिंग। पल्सिंग से मुराद ये है कि जब भी जो आप लोगों ने थम यहाँ पे रखा तो यहाँ पे बाउंसिंग होती है, ठीक है। तो दिल की धड़कन जिस तरह होती है उसको हम पल्सिंग कहते हैं, तो उसी तरीके से दिल की धड़कन की शक्ल में एंड स्पर्टिंग फुहारे की शक्ल में, जिस तरह ईद उजा में आपको रुकाने के लिए छोरा पैर देते हो तो जो ब्लड निकलता है तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का ब्राइट रेड खून बिल्कुल तसली नजारे करा हुआ था। तो आपने फिर क्या करना है वो ब्लड कंट्रोल कर देना है तसली के साथ साथ, अदरवाइज तसली से फिर काम नहीं चलेगा। और तसली किसको देनी है, जिसने ये वाली काटी और कहता है कि इससे मैं मरूंगा नहीं वो मरेगा नहीं, उसको भी आपने डीले करना है, उसको भी देखना है बाद में, लेकिन उसको तसली देगी इससे आपकी मौत वाक्य नहीं होगी। तो लेट्स अप बहुत ज़्यादा ना करें आपको जी। यहाँ पे भाई के हाथ में दो चीज़ें, ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो उसकी लेफ्ट हैंड में आपको नज़र आ रही है जालीदार सी पट्टी, ठीक है, टेक्निकल जुबान में इसको क्या कहते हैं, ग्रास पीस से कहते हैं, जालीदार पट्टी इसको कहते हैं। और साथ साथ में ये सस्ती भी है, इतनी महंगी भी नहीं है, आपने कभी भी रूई कॉटन या मालू जिसे कहते हैं वो आपने डायरेक्टली स्पून पर नहीं रखना, उसके रखने के लिए भी अपना एक तरीक़ाकार है, ऐसा ना हो कि आप वैसे ही रख दें तो वो वहाँ पे एडहेसिव वो चिपक जाएगा, और इतना चिपक जाएगा कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो एज ए फॉरन वर्ड, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स जो जर्रे हैं वो जाके जख्म में जो है वो दंस जाते हैं, फिर उसे निकलते नहीं हैं, फिर हमारा जख्म जल्द से जल्द ठीक नहीं होता। तो लिहाजा आपके फर्स्ट एड के किट में कम से कम आपके पास ग्रास पीस होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रास पीस के साथ साथ दूसरी चीज़ आपको दिख रही है उसके राइट हैंड में, ये कौन सी चीज़ है, इसको कहते हैं क्रिप बैंडेज, जिसको आम जबान में हम गर्म पट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें इलास्टिसिटी होती है, इसमें लचक होता है, और ये काफ़ी तगड़ी होती है उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, एक बेहतरीन किस्म की प्रेशर डालने के लिए। और तीसरी पट्टी जो होती है उसको हम कॉटन बैंडेज कहते हैं, छोटी सी पट्टी, जब हमारा कोई फिंगर कट जाती है और हमारी गली कूचों में जो डॉक्टर साहिबान होते हैं वहाँ पर उसके पास जाके वो ब्लड कंट्रोल करने के लिए एक जालीदार सी पट्टी होती है तो वो अप्लाई करते, तो वो इतनी तगड़ी नहीं होती कि वो ब्लड कंट्रोल कर दे। कौन सा ब्लड, आरटीरियल।
तो लिहाजा आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, एक्यूरेट बैंडेज होनी चाहिए और दूसरी कौन सी चीज होनी चाहिए, आपके पास गॉज पीस होनी चाहिए। अच्छा, मरीज को तसल्ली देने के बाद उस साइड पे चले जाएं, साइड पे आप सबको दिख रहा है। अच्छा, तसल्ली देने के बाद अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की कट लगी है तो आपने इस एरिया को क्या करना है, इसको वॉश करना है, इसको साफ करना है। अच्छा, किसकी मदद से साफ करना है, आप विद द हेल्प ऑफ गॉस पीस, लेकिन आपके फर्स्ट एड किट में एक ड्रिप होती जिसको हम नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं, नॉर्मल सलाइन की मदद से इसको धोएं, इसको साफ करें। अगर वो नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ रनिंग टैप वाटर, जो पीने का साफ पानी है, ठीक है, साफ सुथरा पानी है, उसको उठा के आपने क्या करना है, इसके जख्म को धोना है। अच्छा, ये धोते इसलिए है ताकि यहाँ पर कोई पैथोजन, कोई ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो अंदर ना चला जाए, क्योंकि ये अपर लेयर ऑफ द स्किन है, फिर उसके नीचे सेकंड लेयर ऑफ द स्किन है, और उसके नीचे फिर कोई गप नहीं है बल्कि यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम है, उनके बहुत बड़ी नदी जो है ना वो बह रही है। ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा दर्द यहाँ पे रख दूँ, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे दर्द हो कि आफ्टर 3 या 4 मंथ्स इसको टेटनेस ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये सेप्टिक ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये बेचारा कोई इसको वायरल डिजीज ना हो जाए। तो सबसे अच्छी बात है कि मैं इसको साफ कर दूँ। अच्छा, साफ़ करने के बाद आपने पहले जो कोशिश करनी है वो है डायरेक्ट प्रेशर, इस पर आपने डायरेक्ट प्रेशर लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ कौन सा चीज़, विद द हेल्प ऑफ गॉस पीस, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर लगाए, गुड। अच्छा, जब इन्होंने डायरेक्ट प्रेशर लगा दी और ये गॉस पीस जो इस आपके साथी के हाथ में है, ये खून के साथ क्या हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा खून के साथ। तो अभी ये वाला गॉस पीस हटा दूँ, नया रख दूँ कि नहीं, ये इसी के ऊपर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, अच्छे जी। हमारा मकसद यहाँ पे ब्लड को कंट्रोल करना है, इस पर प्रेशर डालना है। आपने जो पहला गॉस पीस उठा के यहाँ पे रखा है तो इसके साथ खून मिल जाता है, तो ये एक वजन गेन कर लेता है, वही वजन वो क्या कर रहा होता है, इसी खून पे दोबारा एक्सर्ट कर रहा होता है। तो आपने कभी भी पहला वाला गॉस पीस नहीं हटा देना, बल्कि उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, जितना प्रेशर आप डालेंगे उतना ही वहाँ पर क्या होगा, वो ब्लड कंट्रोल करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पहली कोशिश आप लोगों की कौन सी होनी चाहिए, डायरेक्ट प्रेशर। अच्छा, अभी ये कहता है कि अभी सारा दिन तो मैं इसको पकड़ नहीं सकता, तो आपके पास कौन सी बैंडेज, क्रेप बैंडेज, तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेप बैंडेज आपने एक प्रेशर बैंडेज ही कर लिया। अभी प्रेशर बैंडेज किस तरह कर रही है, अच्छा कुछ लोग बैंडेज को पकड़ के क्या करते हैं, इसको अंदर की तरफ खोलते हैं, जिस तरह इसको मैंने पकड़ के रखा है, ये रिकमेंडेशन इसकी नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर तो आप इसको पकड़ के ये परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो उसके खुलने में मसला हो रहा है और दूसरा क्या होगा कि ये मुझसे स्लिप होगा और स्लिप होकर ये ज़मीन पे गिरेगा और ये पट्टी भी गंदी होगी और सबसे बड़ी जो यहाँ पे चीज़ होगी वो मरीज़ जो है ना वो घबरा जाएगा कि ये बंदा काम का नहीं है। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि इस बैंडेज को बाहर की तरफ खोलना, ठीक है, बाहर से मुराद है कि इसको पकड़ के आपने आउटर साइड पर क्या करना है, इसको आपने खोलना। तो यहाँ पे जब इसको आप बाहर की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड होगा ये राइट को देगा और जल्दी जल्दी यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, आपकी पट्टी होगी। अदरवाइज अगर आप उसको बाहर के बजाय अंदर की तरफ खोलते तो ये आपसे क्या होता, ये आपकी हाथों की वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती और ये आपके हाथ से गिर जाता, उसको कवर करें, हाथ को कवर करें। तो पहली कोशिश आपकी कौन सी थी जनाब, डायरेक्ट प्रेशर, ब्लड के देख, ब्लड को देख के आपने सोचना ही है और ब्लड को देख के ये भी नहीं करना है कि आप कोई जूस मंगवाएं और साथ साथ में कोई कावा चाय भी मंगवा लें और आराम आराम से परफॉर्म करें, नहीं, ब्लड की वॉल्यूम अल्लाह ने रखी है, आप परफॉर्म करने की कोशिश करें। आप याद रखें कि बहुत से लोग जो होते हैं वो मर भी इसकी वजह से जाते हैं कि हम तो उनको गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन बजाय ये कि हम उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करें, हम उनकी गुस्से सुनने में बैठ जाते हैं। अब वो चीज़ अपना दे दे के 50,000 दी और कुल के माला तो मम्मी चरमारी की 3 लाख रखी, आप वसीयत सुने लेकिन ये ब्लड भी कंट्रोल करें, उसको इंगेज रखें कि हाँ आपका मैसेज मुझे मिला, इंशाल्लाह हर सब मिला उसको, लेकिन आपका खून कंट्रोल करना इतिहाई ज़रूरी है। हम किससे सुनते रहते हैं और ये किससे सुनने के बाद फिर वही सुर्खी आ जाती है जस्पताल का कोरोना पहले पहले से चलो, वो आपसे बातें तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर ये जो मशीन चल रहा है तो उसको भी फ्यूल की ज़रूरत होती है और वो फ्यूल कौन सी चीज़ है, ब्लड है। जब बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा तो वो बंदा फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जाएगा टू वर्ड द शॉप सदमे की तरफ,
और फिर अगर वहाँ पे ब्लड और आपको ट्रीटमेंट नहीं आई तो अल्लाह ना करे वो लेट कर जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो आपके साथ ही एक बेहतरीन किस्म की यहाँ पे बैंडेजिंग की, जिसको हम कौन सी प्रेशर कहते हैं, डायरेक्ट प्रेशर, और प्लस इसको मैंने कौन सी चीज़ कर दी, प्रेशर बैंडेज की मदद से इसको कवर कर दिया। तो इस सारे स्टेप को हमने किस कादे में डालना है, एक स्टेप में डायरेक्ट प्रेशर। अच्छा, दिस इज द स्टेप वाइज अप्रोच, ठीक है, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। अभी अगर ब्लड किसी स्टेप से कंट्रोल हो जाती है तो देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द सेकंड, दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि खून कंट्रोल हो। अभी कंट्रोल नहीं हुआ और ब्लड फिर भी आपने देखा कि यहाँ पे साइडों से निकल रहा है और ये सारी पट्टी क्या हो गई, ये फिर सूख हो गई, लाल हो गई। तो लिहाजा दूसरा स्टेप आपने कौन सी चीज़ करनी है कि जस्ट एलिवेट द लोअर लेंस और अपर एक्सट्रीमिटी फ्रॉम द हार्ट लेवल, दिल की लेवल से हाथ पे गोली लगी है, पैर पे गोली लगी है, आपने क्या करना है डायरेक्ट प्रेशर के बाद एलिवेट करें। हाथ पे लगी है तो दिल की लेवल से ऊपर की तरफ उठाएं, पैर पे लगी है तो पैर को दिल की लेवल से ऊपर की तरफ उठाएं। तो आप याद रखें जब पानी की टैंकी ऊपर होती है तो पानी प्रेशर से नीचे आता है, तो यहाँ पे अगर आपने पाइप ऊपर की तरफ उठा दिए तो टैंकी यहाँ पर रह जाती है। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि मैंने इसकी मज़ीद ब्लड को ज़ाया नहीं करना, जो ब्लड निकला है वो तो निकल गए क्योंकि मैंने और भी काम करने हैं। तो लिहाजा डायरेक्ट प्रेशर के बाद जो आपके भाई ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की वो कौन सी चीज़ की, एलिवेशन, हार्ट को ऊपर की तरफ चढ़ा करना, किसकी लेवल से, दिल की लेवल से, हार्ट की लेवल से। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने कौन सी परफॉर्म करनी है, आप ऑन द वे थे कहाँ पे, अस्पताल की तरफ, ठीक है। अभी आपको पता है कि आप तोहफा के बॉर्डर में LRH HMC आपसे काफ़ी दूर है, आपका करीब के हॉस्पिटल जो आपका है वो आपसे काफ़ी दूर है, और आप किसी बांडे में हो, आप किसी ऐसे इलाके में हो कि वहाँ पे रसाई दो घंटे की उस पर है। तो लिहाजा फिर आपने क्या करना है कि डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दें, एलिवेशन कर दें, और तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, इस तरह की ABC वाली सी बनाए सर, विद द हेल्प ऑफ दिस सी आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप में से बॉलिंग कौन को देता है, बॉलिंग, ठीक है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जब आप बॉल पर ग्रिप बनाने के लिए अपने फिंगर्स को ये कर देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ योर सी, और सी बनाते हुए इंडेक्स फिंगर के साथ मिडिल फिंगर को मिला के, आपको एक से पहले एक प्रेशर पॉइंट मैंने बताया था, कौन सा प्रेशर पॉइंट, हाथ में, डॉक्टर साहब जब कब बांधते हैं तो यहाँ पर बांधते हैं, तो यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट है जिसको हम ब्रेकिंग प्रेशर पॉइंट कहते हैं। तो अल्लाह ने हमारे सारे जिस्म में प्रेशर पॉइंट्स बना के रखे हैं जिसमें बिल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो दो दिन से पहले भी हमने जिक्र कर ली। तो आपने वो रंग दबा देना है विद हेल्प ऑफ सी, इस तरह की सी बनाए और इसको पकड़े, और आपके महसूस भी होगा अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको वो बड़ी आर्टरी यहाँ पे महसूस भी होगी। तो लिहाजा महसूस करें, यहाँ पे महसूस होगी और तब होगी जब आप खामोशी से सुने। अच्छा, जब आपने ये भी कोशिश कर ली, ये भी कोशिश कर ली और ब्लड कंट्रोल हो गई, तो इट मीन्स कि ब्लड कंट्रोल होने के बाद दूसरे स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अभी अल्लाह ना करें अगर आपके पैरों पर लगी है तो पैर में फिर आप लोगों ने कौन सा प्रेशर पॉइंट लगा देना, सिंपली शो मी योर फोर फिंगर्स, और शीर्स को थोड़ा सा पीछे कर ले, कुर्सियों को पीछे कर ले, जबरदस्त। लेट्स सपोज यहाँ पे लगी है, आपने कौन सी की, डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर के बाद दूसरी कौन सी कोशिश आपने कर ली, एलिवेशन कर ली, इधर आ जाए, इसको पकड़े, जबरदस्त। ये करने के बाद अगर आप कहते हैं कि मैं अकेला हूँ तो आप यहाँ पे किसी चेयर पे भी उसकी इस पैर को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई भी ऐसे सोर्स उठा के ताकि इसकी ये पैर क्या हो, ये एलिवेटेड हो, क्योंकि अभी आपने दूसरे काम इसलिए करने हैं दूसरे स्टेप्स क्यों ब्लड में कंट्रोल कर दूँ। तो पहली कोशिश आपकी क्या थी कि आपने एलिवेट कर दी किस चीज़ को, हार्ट की लेवल से इस चीज़ को, ताकि हार्ट की फ्लो कम से कम, लेकिन उस सूरत में मरीज़ की जो पोजीशन होगी वो ये वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बल्कि किस तरह की होनी चाहिए, अगर ये सिटिंग पोजीशन में है तो तब भी आप कर सकते हैं, अगर तो वो पहले तो आप उसको प्रॉपर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन में लेकर आए और डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके फिर क्या करें, इसको एलिवेट कर दें, और साथ साथ में फिर आपने कौन सा पॉइंट दबा देना है, शो मी योर फोर फिंगर्स, ये इन फोर फिंगर्स की मदद से आपका जो नी है, घुटना जो है, ठीक है, इस घुटने के बिल्कुल बैक साइड पे, ठीक है,
बैक साइड पे यहाँ पे एक फोसा है जिसको हम पॉपुलर टेल फोसा कहते हैं। आपके ये जो फोर फिंगर्स है आपने यहाँ पे आके जिस तरह बच्चे को हम प्यार से पकड़ते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आके आपने घुटने के बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे नीचे बड़ा सा रख के वो आपने क्या करना है, दबा देना, जरा दबाएं सर, बिल्कुल यहाँ पे। तो आपके तीन स्टेप्स यहाँ पे भी कवर हो रहे हैं, डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन और प्रेशर पॉइंट कहाँ पे है आपने यहाँ पे ये घुटने के नीचे यहाँ पे जगह को क्या कर देना है, प्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ योर फोर फिंगर्स सर। ये तीन स्टेप्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे तीन स्टेप्स है सिंपली, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले कौन सी चीज परफॉर्म की, डायरेक्ट प्रेशर, उसी कौन सी चीज परफॉर्म की, एलिवेशन, और तीसरी चीज जो आपने परफॉर्म की वो कौन सी, आपने प्रेशर पॉइंट को दबा दिया। अल्लाह ना करे अगर वो ब्रीडिंग फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही तो लास्ट में आप लोगों ने कौन सी चीज अप्लाई कर देनी है, टॉनिक ग्रिड। अच्छा ये टॉनिक ग्रिड किस किस ने देखी है, इसमें तो खैर इम्प्रोवाइज है, खुद बनाई है इसमें, आप लोगों में किस किस ने देखी है, अच्छा आपने देखी है, कहाँ पे, ये लैब वगैरह में जब ब्लड लेते हैं, जब आप लोग ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं लेबॉरेटरी में, तो लेबॉरेटरी में एक रिबन यहाँ पे बांधा जाता है नीले कलर की, सुर्ख कलर की, ग्रीन कलर की, ठीक है, उसको असल में कहते हैं टॉनिक वेट। अच्छा वो टॉनिक वेट इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि जैसे वो खींची जाती है तो आप कहते हैं वाजी नजर आ जाती है, किस वजह से, उस पर प्रेशर पड़ता है। और अगर उसी टॉनिक वेट को मैं उसी तरीके से छोड़ दूँ एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, तो वो नुकसानदेह है कि नहीं, वो इंतहाई नुकसानदेह है। तो लिहाजा आपने जितनी भी ये ट्रीटमेंट पढ़ी और आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली तो फर्स्ट एड के लिस्ट में ये टॉप पे है या लास्ट में, हाँ इस पॉइंट को लास्ट पे इसलिए रखें कि ये डेंजरस है। पहले तो अगर आपको इसके प्रिंसिपल्स का पता है, इसके उसूलों का पता है तो आप परफॉर्म करें, अगर आपको इनके प्रिंसिपल्स का पता नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई टॉनिक वेट, हो सकता है उस बंदे को आप उसके पैर से या हाथ से फारिग करा दें। तो लिहाजा आपने अगर ये टॉनिक वेट अप्लाई कर देनी है तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपने डायरेक्ट प्रेशर विद एलिवेशन विद प्रेशर पॉइंट, आप कहते हैं कि हॉस्पिटल दूर है, तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है कि यहाँ पे टॉनिक वेट अप्लाई तो कर ली लेकिन उसके लिए आपने उसूल है, और वो उसूल यह है कि आपने सिंपली लेट्स सपोज विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पोरेबल्स हमारे पास हर जगह पे होते नहीं है, आपके गले में जो कार्ड है ठीक है इसके लिए जो हैंगर आपको मिला है विद द हेल्प ऑफ दिस हैंगर, विद द हेल्प ऑफ आपके शूज के जो लेसेस हैं इनकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ योर रुमाल, विद द हेल्प ऑफ योर जेब वाला रुमाल, जो भी आपको अवेलेबल रिसोर्स मिले उसी की मदद से आपने क्या कौन सी चीज़ बना देनी है, आपकी तरफ से एक टॉनिक वेट बना देनी है। अच्छा ये मैं क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ मुझे पता है कि ये ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो इसी वजह से मैंने क्या करना है इसको बचाने के लिए अपनी तरफ से एक टॉनिक वेट बना दी। अच्छा अप्लाई करने का तरीका ये कि वो प्रेशर पॉइंट जो आपने अपने हाथ से पकड़ा है, आवाज़ आ रही है सबको, जो आपने अपनी प्रेशर पॉइंट को अभी आपने फिंगर से पकड़ के रखा था तो अभी आपने इसको उसी जगह पे क्या करना है, बांधना है। अच्छा बांधने के कैसे कि आपने एक नॉट दे दी, इस नॉट देने के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है, वो नॉट देने के बाद आपने अवेलेबल रिसोर्स उस मरीज से भी पूछना है जीत के लिए बल्क पॉइंट तक का निश्ता सफल सदा से ऑब्जेक्ट तक का निश्ता, हाँ वो अगर आपके पास है तो आपने अवेलेबल रिसोर्स को उठा के कहाँ पर रखना है, इसके दरमियान में रख के इसके ऊपर फिर आपने उसको नॉट देना। ये इसलिए कर रहा हूँ जनाब कि मेरे पास कोई स्पेशलाइज टॉनिक वेट नहीं है, ठीक है, जब स्पेशलाइज टॉनिक वेट नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से ये बना दिया। अच्छा ये करने के बाद ये इनफ नहीं है कि आपने ये बांधा, बल्कि अभी भी अगर ब्लीडिंग ज़बरदस्त किस्म की हो रही है तो उसके प्रिंसिपल्स ये हैं कि आपने इसको क्लॉक वाइज इसकी रोटेशन करनी है। क्लॉक वाइज से मुराद ये है कि 6 बजों से 12 बजों की साइड पर जिस तरह इसकी क्लॉक वाइज उसकी सुइयों की रोटेशन होती है, तो लिहाजा आपने भी इसकी रोटेशन उस घड़ी की मुनासबत से क्लॉक वाइज क्या क्या करनी है। मैंने अभी नहीं करनी, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग अ ड्रामा, ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। आपको समझाने के लिए एक केस ऑफ इमरजेंसी, जब आप फेल हो गए डायरेक्ट प्रेशर में, जब आप फेल हो गए एलिवेशन में, जब आप फेल हो गए यहाँ पे प्रेशर पॉइंट में, तब जाके आपने कौन सी अटैम्प्ट करनी है, टॉनिक वेट, जिसकी रोटेशन जब आपने ये परफॉर्म कर ली
जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, इसको पकड़ के रखेंगे कितने टाइम के लिए, कितना टाइम दरकार होना चाहिए ताकि इसको मैं पकड़ के रखूँ। मैं तो हम के बॉर्डर पे हूँ, काफ़ी रास्ता है। 5 मिनट। आपने क्या फरमाया? 10 मिनट। तो 10 से लेके 15 मिनट तक आपने इसको पकड़ के रखना है, समझ आ रही है? एक दफ़ा जब आपने इसको टाइट करके रख दिया तो 10 से लेके 15 मिनट का टाइम है आपके पास। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू रिलीज दिस टॉर्निकेट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको दोबारा आप क्या करें, रिलीज करें ताकि ब्लड की सप्लाई सारे हाथ को हो। अगर आपने इसको पकड़ के रखा है तो ठीक है, एक आर्ट भी रप्चर हुई है, एक आर्ट भी बट गई है, लेकिन आपने सारे हाथ पे क्या करके रखा है, ब्लड की सप्लाई बंद करके रखा है। तो लिहाजा आपकी क्लॉकवाइज के बाद आपने वेट किया 10 से लेके 15 मिनट। तो लेट्स सपोज अगर आपने ये टॉनिक वेट यहाँ पे 10 बजे बांधी है तो आपने वो टाइम भी कहाँ पे मेंशन करनी है, उसके कलाई पे वो टाइम भी लिखना है, एक लेवल पे। उसके कलाई पे अगर ब्लड आ रहा है तो फिर उसके फॉरहेड पे आपने कौन सी चीज़ लिखनी है, मार्कर की मदद से एक साइन बनाएं 10 बजे AM PM ताकि आपको फ़ायदा हो। ये लिखाई इंतहाई ज़रूरी है किस चीज़ के साथ, टॉनिक वेट के अप्लाई करने के साथ। पहली चीज़ टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कौन सी, 10 to 15 मिनट्स क्लॉक वाइज जब आपने रोटेट कर लिया। उसके बाद जब 10 से 15 मिनट पूरे हो गए तो फिर आप लोगों ने कौन सी चीज़ को फोन की, इसको रिलीज कर दिया। आपने ये टॉर्निकेट बांधी थी किस टाइम, 10 बजे। जब आपने 10 बजे को देख लिया तो आपने वो 10 बजे यहाँ पे नोट कर ली, यहाँ पे नोट कर ली। अभी ये टाइम दो फायदे देती है, ठीक है, ये लेवलाइजेशन जो थी आपने अगर 10 बजे ये बांधी थी और आपने इसको क्लॉक वाइज टाइट करके रखा था तो 10:15 पे आपने इसको क्या करना है, ठीक है जनाब। और फिर 10:30 में आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको दोबारा आपने इस तरह क्लॉक वाइज रोटेट करना है। मतलब 10 से 15 मिनट के बाद आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रिलीज़ करना है, 5 मिनट के लिए, ताकि ब्लड की सप्लाई सारे हाथ हो। और फिर आपने इसको इस तरह तरीके से टायर करना है। तो 10 to 15 मिनट्स आपने इसको टायर रखना है और रिलीज़ करने के बाद 5 मिनट के लिए ब्लड की सप्लाई को आपने अलाउ करना है ताकि ब्लड की जितने भी टिश्यूज है इसको ब्लड की सप्लाई मुकम्मल हो। 10 से 15 मिनट और 5 मिनट ये आपने जहन में रखे, और साथ साथ में ये लेवलाइजेशन भी जहन में रखे, क्योंकि वो 10 बजे आपको सिर्फ टाइम नहीं बताती बल्कि जब आप उस मरीज़ को अस्पताल लेकर जाते हैं तो एक होती है प्राइमरी असेसमेंट और दूसरी होती है सेकेंडरी असेसमेंट। प्राइमरी असेसमेंट में आप लोगों ने जस्ट क्या किया था कि उस मरीज़ के पास जाके उसकी ए, उसकी बी और उसकी सी, उसकी सांस की नाली चेक करनी थी आपने, उसकी ब्रीदिंग एफर्ट्स चेक करने थे, उसके सर्कुलेशंस को देख के। लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में होते हैं सेकेंडरी असेसमेंट, वो कहाँ से होता है, हेड टू टो, सर से लेकर पैरों तक। जब वो डॉक्टर परफॉर्म करेगा और इमरजेंसी में हम इतने पैनिक होते कि यह आस्तीन जिस टॉर्निकेट के ऊपर आया, किसी को पता नहीं है कि किसी ने यहाँ पर टॉर्निकेट लगाई है कि नहीं। अगर आपने ये लेबलाइजेशन की हो तो डॉक्टर साहब अगर ये लेबलाइजेशन यहाँ पर देखें या उस मरीज़ के माथे पे देखें उसमें क्या फ़ायदा होगा, डॉक्टर साहब सबसे पहले उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो टॉनिक विट यहाँ पे लगा के रखी है, ये लोकलाइजेशन जो की गई है ये फजूल में नहीं है, बल्कि इस मरीज़ के जिस्म में किसी एक जगह पे कौन सी चीज़ लगी है, टॉनिक विट लगी है। अभी डॉक्टर का कोई इल्हाम नहीं हुआ बल्कि उसने किस चीज़ से अंदाज़ा लगाया, वो सबसे पहले आके किस चीज़ को खोलेगा, इस टॉर्निकेट को वो रिलीज़ करेगा और उसके बाद जाके यहाँ पे टांग के परफॉर्म करेगा, उस ब्लड को कंट्रोल करेगा। तो उम्मीद है कि ये 4 के 4 स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, आपको याद होंगे। तो कितने स्टेप्स है जनाब, डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन, प्रेशर पॉइंट और लास्ट में कौन सी चीज़ है, टॉर्निकेट। अच्छा जी, अभी हमने इस पर प्रैक्टिस करनी है, आपके हमने कुछ ग्रुप्स बना देने, ठीक है, इधर ही, क्योंकि ये सिटिंग हमारी यहाँ पे ये परफॉर्म हो सकता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे इसका बर्तन हो सकता है, उसके लिए हम नीचे कर चलेंगे। तो लिहाजा आपको अभी प्रोवाइड की जाएगी क्रॉस पीसीस, आपको प्रोवाइड की जाएगी इतने बैंडेजेस, और आपके यहाँ पे होंगे तकरीबन हम बनाएंगे 4 ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, या 5 ग्रुप्स बना देते हैं, तो उनमें से आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह हमारे ही सेशन ब्लीडिंग का जारी रहेगा, क्लियर। तो सर यहाँ पे आ चुके हैं, वो हमें असेस करेंगे उनके ग्रुपिंग में, तो सर इनको जरा
दे रही थी करीब जहाँ पे हैं।